कविता ऐसे भी हो जाती है, बाग पूरा न लो क्यारी ले लो। वाह, बाग पूरा ना लो, पूरा न लो क्यारी ले लो, क्यारी ले लो, न लो तलवार कटारी ले लो। वाह, तुम्हारे हुस्न के मारे शिकार देखे हैं, हमारे नाम की भी एक। कविता ऐसे भी हो जाती है, बड़े साहित्यकार कहते हैं वो कविता टुच्ची थी। टुच्ची टुच्ची, ये कविता लुच्ची है, ये कविता अच्छी है, वो कविता। अरे कविता कविता होती है, वो तो आपकी समझ है जो उसको कैसे देख रही। क्या बात है, अगर ऐसे होते तो परमात्मा की सृष्टि में 6 रस हैं, कवि की सृष्टि में 9 रस हैं। ब्रह्मा से 3 पांव आगे चलता है कवि, यही उसकी आचार संहिता है। और उस आचार संहिता में वो यही कहता है कि काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का। वाह, काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का। अरे क्या क्या करें, बयान जगत से न्यारी है ये मेताई, मजनू को लेला से ज्यादा प्यारी है ये नेताई, नेताई गंगा माता, नेताई ही दुखदाता, जो इसमें स्नान करे वो जीवित स्वर्ग सकता था, काले को सफेद हरदम करती रहती ये नेताई, नहीं किसी की हुई आज तक ऐसी है ये हर जाई, जेब किसी की भर देती, जेब पेट किसी की हर जेब किसी की भर देती, शोक किसी का हर लेती, काले को धोला हरदम करती रहती ये नेताई, नहीं किसी की हुई आज तक ऐसी है ये हर जाई, जे प्राण किसी के हर लेती, जेब किसी की भर लेती, जो इसने मन में चाहा वो पल दो पल कर लेती, इस नेताई के सौदे, इस नेताई के सौदे, इस नेताई के सौदे ऊंची बोली में होते हैं, सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते हैं। बात है दुआ, मतदान करो। मतदान, काले को धोला हरदम करती रहती ये नेताई, नहीं किसी की हुई आज तक ऐसी है ये हर जाई, प्राण किसी की हर लेती, जेब किसी की भर देती, जो इसने मन में चाहा वो पल दो पल में कर लेती, इस नेताई के सौदे, इस नेताई के सौदे, इस नेताई के सौदे ऊंची बोली में होते हैं, इस सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते हैं, सुनते थे जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा, पर हमने जो बोया था उस खेती में आया घाटा, ये मक्कारी की बड़ी बहन, भ्रष्टाचारी की नातन, बेईमानी की सासू और स्वार्थ की सगी दुल्हन, रिश्वत इसकी छोरी है, काला बाजारी गोरी है, चुस्त पायजामा कुर्ता जैकेट टोपी भी धोरी है, बस यही वेश है माई का, करती काम सफाई का, गला घोटती भाई का, काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई। अरे और कहां तक कहें, और कहां तक कहें, और कहां तक कहें, बाप माँ तक को मारी है गोली। आए है, आए है, आए है। इस देश में 3 गांधी हुए भाई साहब, एक भी ओरिजिनल मौत नहीं मरा। क्या बात है गुरुदेव, 3 गांधी हुए इस देश में, एक भी ओरिजिनल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 5 महीने आजादी पची, इस देश में
अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी 1948 की संध्या को 5:17 पर पूज्य महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां बोई, 3 गोलियां बोई। 48 को उल्टा करो, क्या हुआ? 84, 84 में 18 गोलियां माता इंदिरा गांधी के सीने में उगी आई। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। 3 गोलियां पूज्य महात्मा गांधी के सीने में बोई थी, 3 गोलियां पूज्य महात्मा गांधी के सीने में बोई थी, 18 गोलियां माता इंदिरा गांधी के सीने में उगी आई। 3 के पहाड़े को 6 बार बोलो, 3×6=18। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी उसी अनुपात में गुंडाई बढ़ गई और आतंकवाद बढ़ गया, लुच्चाई बढ़ करके खड़ी हो गई और 91 आते आते गोलियां बम हो गई। क्या बात है गुरुदेव, 91 आते आते गोलियां बम हो गई और तीसरा गांधी श्री पेरम्बदूर में समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कहता हूं कि जिसने निशस्त्र रह शस्त्रधारियों को मोड़ा, पहला गांधी, जिसने निशस्त्र रह शस्त्रधारियों को मोड़ा, उस महात्मा को भी गोली से मार दिया। उस महात्मा को भी गोली से मार दिया जिसने इतिहास और भूगोल बदल डाले। भूगोल कब बदला? पाकिस्तान बोला कि हम इस्लामिक कंट्री हो गए, मुस्लिम कंट्री हो गए। इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो गए मुस्लिम कंट्री? मुस्लिम कंट्री होने के लिए कुछ लगता है कि नहीं? बोले क्या लगता है? अरे बोले हिंदू हो तो तिलक लगाए तो आप मेरे लगाए कि नहीं? मैं ब्राह्मण हूँ तो जने हुए है, चोटी है। सरदार जी बैठे, सरदार जी के पास पंच ककार हैं, कच्छ कांकड़ी केश कपाण कच्छा। क्रिश्चियन है तो उसका बपतिस्मा होता है। तो बोले मुस्लिम कंट्री होने के लिए भी कोई रस्म रिवाज है? बोले है। तो बोले वो हुआ क्या? तब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश काटा, अरे जिसने निशस्त्र शस्त्रधारियों को मोड़ा उस महात्मा को भी गोली से मार दिया, जिसने इतिहास और भूगोल बदल डाले उस नारी को भी मौत के घाट उतार दिया, वो सोनिया। सोचती थी, वो सोनिया सोचती थी कि साजन आएंगे। क्या मार्मिक पंक्ति, वाह 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 वाह। वो सोनिया सोचती थी कि साजन आएंगे। बोलो बोलो क्यों? उनका साजन लौट नहीं पाया। बोलो क्यों? उनका साजन लौट नहीं पाया। किन हत्यारों का बतलावो वो वंश वृक्ष, किन हत्यारों का बतलावो वो वंश वृक्ष जिसने वह दीन दयाल उपाध्याय खाया। बतलाओ किन हत्यारों का वो वंश वृक्ष? बढ़िया सत्यन जी, वाह वाह वाह। जिसने वह दीन दयाल उपाध्याय खाया। यदि राजनीति में हिंसा का क्रम चला और यदि राजनीति में हिंसा का क्रम चला और तो सूर्योदय से पूर्व शाम हो जाएगी,
यदि भारत की जनता मिलकर एक ना हुई तो लगता भारत माँ गुलाम हो जाए। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी।